नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा कपूर और आज हम बात करते हैं हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म की। हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म को डिफाइन कैसे करते हैं? हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म जनरली जो है कोई एज सच जो है जो DSM-5 क्राइटेरिया है उसमें कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, बट जब हम पहले के क्राइटेरियाज में जाते हैं तब जो है एक चीज थी जिसको हम बोलते थे, एक आइडेंटिटी थी जिसको हम बोलते थे एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम वाले बच्चों का जो IQ होता था वो उनके नॉर्मल पियर एज ग्रुप, जो उनके एज अप्रोप्रिएट एज ग्रुप होता है उनके बिल्कुल बराबर तक होता था और कई बार उनका उनसे ज्यादा भी होता था। तो वो जो कैटेगरी थी DSM-4 क्राइटेरिया की, वही कैटेगरी को जो है हम हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म बोलते हैं। इसका मतलब वो वाले बच्चे जिनको ऑटिज्म के क्राइटेरिया तो है बट उनका जो IQ है, मतलब जो उनका इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, वो जो है अपने पियर एज ग्रुप के बराबर है या फिर उनसे ज्यादा है। तो अब अगर ये क्राइटेरिया है तो इसमें कमी कहाँ होती है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो काफी कुछ ऑटिज्म वाले बच्चों से मिलते हैं। ये बोलते तो हैं, इनकी स्पीच आ जाती है, लैंग्वेज भी आती है, बट उतनी नहीं आती है जितनी इनके पियर एज ग्रुप वालों की आती है। इनको फिक्सेशंस बहुत होते हैं, मतलब कि इनको जो है कोई एक चीज पसंद है तो वो उसी के पीछे पड़े रहेंगे। जैसे एक जानकारी उनको हासिल करनी है कि जो है ये कौन सा एनिमल है, इसकी स्पीशीज कौन सी है, इसकी सब स्पीशीज कौन सी है, इसके मिलते जुलते वाले जो जानवर है उनकी सब स्पीशीज कौन सी है। Whereas, जो इनके पियर एज ग्रुप वाला बच्चा होगा उसको बस ये पता होगा कि ये जो है एक रैट है, बट इनको जो है उनका बायोलॉजिकल नेम भी पता होगा, उसकी स्पीशीज भी पता होगी, उसके आसपास जो है डिफरेंसेस जो है उनके एनिमल्स के जो नियर बाय है वो सब कुछ डिटेल्ड नॉलेज होगी। दूसरा जो है जो डिफरेंस होता है वो ये है कि ये इन डेप्थ घुस जाते हैं उसके अंदर और उसी में बहुत ज्यादा फिर फिक्सेटेड भी हो जाते हैं और वही बोलते रहते हैं। तीसरी चीज जो होती है कि इनका इंसानों के प्रति लगाव जो होता है वो कम होता है और ऑब्जेक्ट्स के प्रति लगाव जो होता है वो ज्यादा होता है। तो पहली चीज ये कम बोलते हैं, सोशल लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती है अपने पियर एज ग्रुप से। दूसरी, इनकी इंटेंसिटी ऑफ नॉलेज या टूवर्ड्स वन पिक्यूलियर थिंग बहुत ज्यादा होती है। और जो है तीसरा जो है इनका जो बात करने का जो लिहाजा है, जो तरीका है, उनके अंदर जो है वो जैसे हम रुक जाते हैं कि दूसरा क्या बोल रहा है उसको हम सुने, उसको हम प्रोसेस करें, फिर उसके हिसाब से उसकी अकॉर्डिंग जो है हम उनको चीजें जो है बताएं। Whereas, जो हमारे बच्चे जो होते हैं जो एस्पर्जर्स वाले या फिर हाई फंक्शनिंग वाले होते हैं, इनको दूसरे को भापना नहीं आता है कि हमें कब रुकना है, हमें क्या बोलना चाहिए। उन्होंने जो नॉलेज गेन करी है, जो भी कुछ चल है उनके दिमाग में चल रहा होता है वो वही बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, और ये नहीं सोच पाते हैं कि दूसरा वाला उससे बोर हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसको समझ में भी आ रही है वो चीजें कि नहीं आ पा रही है, बट क्योंकि उनकी नॉलेज है उस बारे में और उन्होंने वो शब्द का जिक्र कहीं से सुन लिया है तो वो बोलते जाएंगे। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि वो बातचीत किसी और चीज से शुरू करते हैं बट जो चीज उनके मतलब का है वो बातचीत को खींच कर जो है वो वहीं पर ले आएंगे जहां पे उनको पसंद है जो चीज जिसके बारे में वो जानकारी ज्यादा रखते हैं। नेक्स्ट जो है कि जो है चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं बजाय इंसानों के। तो उनको जो है सारी चीजें जो है उनको स्टैम्प कलेक्शन का शौक शौक होता है, वो चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से जो उनकी मनपसंद वाली चीजें हैं उनके साथ बड़ा सारा अच्छा अफेक्शनेट शो करते हैं मगर इंसानों से थोड़ा कतराते हैं। कोशिश करते हैं आप उनको मोबाइल फोन दे दीजिए, वो सारी चीजें उसमें ढूंढ ढांड के कहाँ से क्या कैसे पहुंचना है क्या करना है, इंडिया ने कौन सी मिसाइल बन रही है, कौन सा जो है कहाँ किसने कब जो है क्या कर दिया, वो सब चीजें नॉलेज न्यूज सब होती जाएगी। बट ओनली जब जो है वो खाली अपने मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप या अपनी नॉन लिविंग चीजों के साथ में जो है ज्यादा जो है वो अपना समय बिताएंगे, वेयर एज
नॉर्मल लोगों को जब जो है सोशल गैदरिंग पसंद होती है, पार्टी करना पसंद होता है, गप्पे मारना पसंद होता है, और कैसे हो क्या है, आई कांटेक्ट करना, ये सारी चीजें उनको पसंद होती है। हमारे बच्चों को जो है, जो एस्पर्जस वाले हैं, उनको अलग रहना, लोगों से अलग, चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट होना, वो जो है उनको पसंद होता है। अब जो है ये जो सारी चीजें, इसमें कई बार हमारे बच्चों में ऑटिज्म, जो एस्पर्जस वाले बच्चे हैं हाई फंक्शनिंग में, उनके अंदर जो है वो थोड़ा सा सेंसरी भी रहता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों में रहता है, बट कई बच्चों में सेंसरी की भी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट इज जो कि हमारे जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनमें होती है, उनमें भी बहुत सारे बच्चों में सेंसरी की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो खुश हुए तो ताली बजाएंगे, बट कंट्रोलेबल होती है। इनके अंदर कई बार अनकंट्रोलेबल होती है। बट जो मेजर डिफरेंस है जो इनको अलग कर लेता है वो है, जो हमारी थ्योरी है माइंड की, कि जो है हम थ्योरी ऑफ माइंड करके जो है एक थ्योरी आई थी, जिसके अंदर बोलते हैं कि जो है इनके अंदर जो है वो माइंड जो होता है, वो वाला पार्ट जो कि जो है मेरा दूसरे को भाप सके और उसके अकॉर्डिंग बात को, सिचुएशन को भाप सके, वहां पे जो है उसकी कमी हो जाती है। तो थ्योरी ऑफ माइंड करके एक थ्योरी आई, जिसके अंदर इनको बोला कि इनको वो माइंड नहीं होता है जिसके अंदर ये इन चीजों को भाप पाते हैं, सिचुएशंस को समझ पाते हैं, और जो है अपना जो उनको लगता है उस पे इतने फिक्सेट हो जाते हैं, उसी के बारे में बात करना जो है वो समझ करते हैं। जैसे एक नॉर्मल बच्चे को समझता है कि वो मुझसे गुस्सा है, मुझे उससे इतनी बात करनी है, इससे इतनी बात करनी है, यहाँ तक जो है वो किस बारे में बात करना चाहता है। हम जो है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें दूसरों की चीजें, सहूलियतें, उनकी हॉबीज, उसके बारे में जो है पता लगता है, और हम उसी हिसाब से उनसे बात करते हैं, और इसी वजह से हमारी दोस्ती जो होती है वो अलग होती चली जाती है। मतलब अगर मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो जो है मैं कोशिश करूंगी कि मैं साइंस वाले लोगों के साथ रहूं, क्योंकि मैं बातचीत उनसे फ्रीली कर पाऊंगी। बट ऐसा नहीं है कि जो है मैं उनकी जो सोशल वाली चीजें हैं उनको भूल जाऊंगी, या फिर अगर मेरे को किसी आर्ट्स वाले बच्चे के साथ बैठा दिया या मुझे किसी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे के साथ बैठा दिया तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या बात करनी है, मैं उनके साथ सोशल ही नहीं हो पाऊंगी, तो यहाँ पे मैं उसको काबू कर पाऊंगी। वेयरएज हमारे हाई फंक्शनिंग वाले बच्चे जो है उनको ये सारी चीजों का नहीं समझ में आता है। ये होते हैं हमारे डिफरेंसेस जो कि जो है हमारे एक नॉर्मल बच्चे और एस्पर्जस या हाई फंक्शनिंग वाले बच्चों में डिफरेंस होता है। इसकी मगर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो है ये एक तरीके से थोड़ी अच्छी चीज भी होती है, क्योंकि जो स्टडीज हुई हैं, जो कैम्ब्रिज में स्टडी हुई, उन्होंने देखा कि जो है जो बच्चे जिनके जो है जो हाई फंक्शनिंग थे या ऑटिज्म थे, उनकी जब हिस्ट्रीज देखी गई तो उन्होंने देखा उनके दादा या उनके फादर या उनकी फैमिलीज में इंजीनियर्स बहुत थे, ऐसे लोग जिनको सच में कुछ एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो बहुत डीप नॉलेज में जाते हैं, उनमें उन्होंने देखा कि वो उनकी फैमिली में बड़े सारे लोग थे। और जो दूसरी चीज वो देखी गई वो ये देखा गया कि जो है जब हमने जो है स्टडी करी तो जितने ज्यादा बच्चे जिनको जो 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 है जिनकी जो हमने जब स्टडी करी और देखा गया उन बच्चों की जो कि हाई फंक्शनिंग थे, उनके जो पेरेंट्स थे वो ज्यादातर अगेन जो है वो भी हाई फंक्शनिंग वाले थे, मतलब वो इंजीनियर थे, मतलब बेसिकली वो प्रोफेशनल थे जिनको इन डेप्थ नॉलेज जो है लेना ज्यादा अच्छा लगता था, मतलब वो हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के बच्चे थे। मतलब दोनों तरफ से जो है बच्चों के थ्रू जब हम पीछे गए या फिर जो है हमने पेरेंट्स के उनके बच्चों को देखा, तो दोनों तरफ हमने एक कोरिलेशन पाया कि कहीं ना कहीं जो है ये जो है हाई फंक्शनिंग वाले बच्चों के या फिर उनके पेरेंट्स में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो कि जो है इनको हाई फंक्शनिंग कर रहा है और थोड़ा सा ऑटिज्म का ट्रेड जो है वो दे रहा है। ये स्टडीज के अलावा भी जो है अगर हम जो एनेक्डोटल इंसिडेंसेस हैं या फिर जो है जो लोगों ने जो हम लोगों से जो है जो बातें करी हुई हैं या जो पब्लिश्ड है, उसमें जो है सबसे कॉमनेस्ट जो है जो टेम्पल ग्रांटन है जो कि खुद एक ऑटिस्टिक है, उन्होंने ये बोला था कि क्या क्या हंसना, क्या इसमें इतना हंसना, आंखें मिलाना इतना क्या जरूरी है। अगर मैं जो है लोगों में जो बहुत ज्यादा हंसते हैं, आंखें मिलाते हैं, जो आपस में बातचीत करते हैं, जो बहुत सो कॉल्ड सोशल है, उनके अंदर अगर मैं ऑटिज्म का पार्ट निकाल लूं तो उनके अंदर तो कोई स्किल ही नहीं बचेगा, आगे बढ़ने का कोई स्किल ही नहीं बचेगा, क्योंकि बस वो तो जो है हंसेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स की कमी हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि सोशल वाले खराब है या फिर जो है हमारे ऑटिज्म वाले बच्चे खराब हैं, बट
मैं इस बात को एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि जो है हमें एक थोड़ा सा मिक्सचर वाला बंदा चाहिए है, जो कि जो है दूसरों को समझ भी ले बट अपनी एनालिटिकल स्किल्स को भी ना खोए। हमारे ऑटिज्म वाले बच्चों में जो हाई फंक्शनिंग होते हैं उनके अंदर एनालिटिकल स्किल्स भरा होता है, जो हमें चीज डालनी है वो थोड़ी सी सोशल स्किल्स डालनी है। तो अगर ये इतना आसान है तो फिर क्या करें भाई, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? तो इसको करने के लिए हमें ये करना है, ये सारी चीजें अगर हमें अर्ली लाइफ में दिखनी शुरू हो जाती हैं, तो अपने पास 3 साल 4 साल के बच्चे आते हैं जो कि पेरेंट्स बोलते हैं मैम ये हमारे सामने किस मतलब अपने सामने ये किसी की नहीं सुनता है, बस बोलता जाता है, और जो है जो इसको समझ में जो आता है वो तो हमें भी कई बार समझ में नहीं आता है। वो उसको जो है कौन सा जो है डायनासोर है, उसकी कौन सी वैरायटी है, ये सब कुछ बातें करता रहता है बट दूसरों की सुन नहीं लेता है। तो अगर हमें ये अर्ली साइन समझ में आने लग रहे हैं, सो प्लीज 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 यही राइट टाइम है कि हम इस बच्चे को मोल्ड कर देंगे तो हमारे रिजल्ट्स फैंटास्टिक आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ, हमें एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो कि जो है हम उसको जो है सोशली की तरफ जो है ज्यादा लेके जाएंगे, और एनालिटिकल स्किल्स तो उसको जेनेटिक भी मिले हुए हैं और जो है वो तो गॉड गिफ्टेड पहले से ही है। उसके लिए हमें करना ये होगा कि पहली चीज अगेन जैसा हर बार बोलते हैं टीवी मोबाइल से थोड़ा सा अलग रखें, थोड़ा क्या काफी अलग रखें, क्योंकि जो है टीवी मोबाइल से जो इन्फॉर्मेशन ये गेन करते जाते हैं बहुत ज्यादा मिल जाती है इनको। अगेन फिर जो है ये और ज्यादा जो है सोशल होना और ये सारी चीज करना भूलना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करके अगर हमें दिख रहा है कि हमारे बच्चे में ऐसे कोई साइंस है तो प्लीज 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 जो है उनको सोशल की तरफ ज्यादा पुश करिए। अब अगर आप ज्यादा और बहुत ज्यादा पुश करेंगे तो हो सकता है वो गुस्सा भी हो जाए। तो अगेन जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं वो बातचीत के जरिए खुद दीजिए, क्योंकि अगर वो टीवी मोबाइल से गेन करेंगे तो वो फिर आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे। वेयर एज जो इंफॉर्मेशन हम ऐसे बातचीत करके आमने सामने करके करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो उनको स्टक रहेगी बट उनको साथ साथ के सोशल स्किल्स भी रहेंगे। तो अगर जो है हम उनको हमारे पास टाइम नहीं है हमें समझ में नहीं आ रहा तो हम ऐसा करेंगे कि हम ट्यूशन भेज देंगे उनको। ट्यूशन से ही रहेगा कि वहां 2-3 बच्चे हैं, अगर मैडम पढ़ा रही है बट ये ध्यान रखना होगा ट्यूशन वाली मैडम को, ये जरूर करना है कि ये नहीं कि बस उनको खाली छोड़ दिया और बस आप ऐसा करो कि आज आपका क्लास वर्क में ये हुआ है या आप ही रटो और मैं जो है अपना दूसरा काम करके आती हूँ। ट्यूशन वाली मैडम को सामने बैठना पड़ेगा, और कोशिश करें कि ग्रुप वाली ट्यूशन हो, मतलब 2-3 बच्चे और हो, और मैडम ये बहुत सारे हो जाएंगे 10-15 हो जाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में जो है मैम उनको इंगेज करे। नेक्स्ट इज क्योंकि इन बच्चों में छोटा मोटा सेंसरी रहता है तो इनको स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो वो बोलते हैं कि मैडम साइकिल तो खुद ही चलाता रहता है, ये तो सारा टाइम कूदता फांदता रहता है, साइकिल भी अपने आप ही चला लेता है। देखिए अपने आप साइकिल चलाना और आपका साइकिल चलवाना उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि जब आप साइकिल चलवा रहे हैं आप इंस्ट्रक्शन देंगे चलो पैडल मारो आगे जाओ, फिर राइट लो राइट लो, फिर उसके बाद जो है वो ट्रैक पे वो वाले ट्रैक पे चलते हैं, आप उससे बचो देखो आगे खंभा आ रहा है। तो जब आप ये बोलते हैं तो वो जो साइकिल चला रहा है उसका कनेक्शन आपके साथ भी है, क्योंकि उसका एक ध्यान जो है वो ये देख रहा है सुन रहा है कि मुझसे कोई बात कर रहा है और मुझे उसको फॉलो करना है। तो पूरा ध्यान जो है वो आपका जो है एक ही चीज पे नहीं रह जाएगा, आपके ध्यान जो है जो आपके फिक्सेशन है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएंगे। तो जब भी हम जो है और बच्चा अगर अपने आप साइकिल चला तो वो अपनी धुन में चलता चलता जो उसको अब्सॉर्व करना है इधर मुड़ रहा है उधर मुड़ रहा है कूद रहा है फांद रहा है। तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड कोई भी चीज जो है वो मच बेटर होती है अपने बच्चों में बनस्पत वो अपने आप जब कुछ कर रहे हो। तो अब हमने सेंसरी की बात करी थी, तो साइकिल चलाने में ये होता है कि चलो भाई थोड़ा पैडलिंग कर रहे हैं, थोड़ी एनर्जी जा रही है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बट इट हैज टू बी इंस्ट्रक्शन बेस्ड। इसलिए हम कई बच्चों को बोलते हैं स्केटिंग में डाल दीजिए। तो स्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि बस वो हमें मुझे स्केटर बनाना है अपने बच्चे को बस, नो। तो उसके 2-3 फंक्शन होते हैं, पहली चीज एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, दूसरी चीज उसको इंस्ट्रक्शन लेना आएगा और वो खाली स्केटिंग में गोल गोल नहीं घूमेगा, फिर वो जो है आपकी बात भी सुनना शुरू करेगा।
कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम स्केटिंग वाले सर ने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये तो सुन ही नहीं रहा था उनकी। तो आप जाइए बीच में स्केटिंग वाले जहां पे स्केटिंग हो रही है और अपने बच्चे को चलो 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 आप उसके इंडिविजुअल गाइड बन जाइए तब तक के लिए जब तक वो आपके साथ जो है ना रहकर सर की बात ना सुने। उसमें हो सकता है महीना लगे 2 महीना लगे बट जहां उसको सर की बात सुननी आ जाएगी तो देखिए आपने वो जो फोकस है बिल्कुल जो उसका जो फोकस है उसको थोड़ा सा तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि जो है वो सर की बात भी सुन रहा है कमांड भी फॉलो कर रहा है अपना स्केटिंग चला भी पा रहा है और सारी चीजों को ऑब्जर्व भी करना शुरू कर रहा है। तो वो जो अर्जुन की आंख वाली चीज है ना मुझे उतनी अर्जुन की आंख वाली चीज नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम बहुत हाइपर फोकस्ड हो जाएंगे तो हम जो है टुवर्ड्स ऑटिज्म जाते चले जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ जो उनके स्किल्स हैं आप उनको खराब कर दीजिए क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे फिर भी उनकी जो कैपेसिटी है लर्निंग की वो आपके एफर्ट से डेफिनेटली आगे जाएगी ही जाएगी। बट मैं चाह रही हूँ कि जो है उसके अंदर जो है जो बहुत ज्यादा फोकस हाइपर फोकस है हम उसके अंदर थोड़ा सा ड्रिल करके छेद करें ताकि वो इधर उधर दुनिया में आसपास क्या हो रहा है वो ऑब्जर्व करे और ये भी देखें कि जो है कैसे लोग आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि तभी वो इम्बाइब कर पाएगा इमोशंस के साथ। तो जो है अगर मुझे नहीं पता एक आती है यंग शेल्डन करके एक सीरीज आती है उसके अंदर जो है वो हमारे बच्चे जो है उसमें जो शेल्डन जो मेन कैरेक्टर है वो ऐसा सा है जो कि बहुत ज्यादा जो है फोकस्ड है अपनी चीजों को और उसको जो है पता नहीं चलता है कि सोशल ऑकवर्डनेस क्या होती है कोई सरकाजम बोल रहा है उसके लिए या खुश होके बोल रहा है या दुखी होके बोल रहा है उससे उसको नहीं समझ में आता। सो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है जो ये चीज नहीं कर पाते तो अगर हमने उसको बहुत जल्दी बच्चे को पकड़ लिया है तो जो है हम उसके अंदर मॉडिफाई करके जो गॉड गिफ्ट उसको मिला है हम उसको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं क्योंकि देखिए आगे आने वाली दुनिया में बहुत सारे लोग जो है वो टेक 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 कोडिंग आईटी ये सारी चीजों पे जाएंगे तो जो है जा रहे हैं जॉब्स है सब कुछ है तो अगर हमारा बच्चा उसमें मामले में आगे बढ़ जाए बट अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा वहां के लोगों को तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम अगर हमें जल्दी पता चल जाता है तो टेक की तरफ तो हम जाएंगे क्योंकि वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा क्योंकि अगर आप इन बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो है कॉमेडियन बन जाए या महफिल की शान बन जाए या फिर जो है इन्हीं के अराउंड लोग में तो ऐसा नहीं होगा ये जो है अपने आप को कुकून रखना चाहेंगे बट अभी जब बच्चा हमारे हाथ में है तो कोशिश करिए कि जो है हम उसको जितना ज्यादा जो है दुनिया से दिखा सकते हैं सिखा सकते हैं तो वो करें। अब अगर बच्चा हमारा बड़ा हो गया है और अभी भी जो है हम उसमें अब हम ढूंढ रहे हैं कि नहीं ये तो कुछ अब हमें गड़बड़ लग रहा है तब हो सकता है और आपको उसका शेल तोड़ने में परेशानी हो। शेल तोड़ने का मतलब कि वो जो वैसी बातें करता जा रहा है जो फिक्सेटेड होता जा रहा है तोड़ने में आपको दिक्कत हो तो उस समय जो है आप प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और जो है वहां पर अगेन टीवी मोबाइल यहाँ पर भी काफी कुछ कम हो जाएगा सोशल लाइफ को इंक्रीज करेंगे बट क्योंकि ये ना इतने ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं जब बड़े हो जाते हैं तो कई बार हमें उनको इनके शेल से निकालने में बिहेवियर थेरेपी और कई बार सेंसरी भी होता है तो वो भी देनी पड़ती है। तो मेक श्योर कि जो है आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और देखिए कि कहाँ पे इनका शेल जो है वो तोड़ा जा सकता है। घर पे जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो ये है कि अगर वो राइनोसोरस और डायनोसोरस और इन्हीं की बातें कर रहे हैं जानवरों की तो चलो आओ अब हम देखते हैं कि जो है खाना कैसे बनता है तो यू नो आप उसको ग्रैब करके उसका अटेंशन वहां से लाके खाने की तरफ लेके चलो आज हम पोहा बनाते हैं चलो आज हम खिचड़ी बनाते हैं चलो अभी हम जो है लॉन टेनिस खेलने चलते हैं मतलब जहां पे वो फिक्सेट होता दिख रहा है क्योंकि वो बाद में स्ट्रगल करेगा उसके अंदर क्योंकि वो फिक्सेशन उसको उस चीज के बारे में तो बहुत नॉलेज दे देगा बट जो नॉर्मल जनरल प्लेफुल एक्टिविटीज है उनके बारे में कुछ नहीं बता पाएगा सोशल। तो आप उनको वहीं से ही जो है पकड़ के उसको पंक्चर करना शुरू करिए और जो है उसको दिखाइए दुनियादारी की कैसे होती है। और अगर वो बहुत ज्यादा स्टक हो गया है तो कई बार हम जो है ऐसे बच्चों को दवाई भी देते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका इतना फोकस हो चुका होता है एक एज तक अगर हमने पिकअप करने में लेट किया है तो जो है क्या होता है कि वो नहीं सोच पाते हैं कि आउट ऑफ ब्लू अब मैं क्यों बातें करूं लोगों से अब मुझे क्या दिक्कत हो रही है लेट अस बी देयर लाइक दिस। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो हम ऐसे ही चलते रहते हैं क्या दिक्कत है। तो इसीलिए जो है आपको थोड़ा अगर लेट हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाके उसका स्टार्ट करिए ताकि वो थोड़ा शांत रहे जब आप उसको जो है दूसरी चीजें दिखाने के लिए ले जाते हैं नहीं तो फिर ये बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कई बार
कई बार जो उनको कुछ समझ में नहीं आता कि अब ये एकदम से क्या हो रहा है, मैं क्यों देखूं इस दुनिया को, ये तो मेरी बहुत बढ़िया से अजी अलग सी जो है दुनिया मैंने बना रखी है, इसमें मैं क्यों जो है किसी और को अंदर घुसने दूं। सो मेक श्योर जब हमें ऐसा लगे तो प्लीज गो टू द डॉक्टर। इफ इफ इट्स लाइक पानी सर के ऊपर तक उधर चला गया है तो प्लीज मेक श्योर कि हम दवाई देके उसको बेटर कर ले, और जब हम थोड़े बेटर हो जाए फिर आप दवाई बंद कर दीजिएगा। सो डिपेंडिंग ऑन हम कौन सी सिचुएशन में है, हम कहाँ है, हम कैसे हैं, वो आपको जो है अकॉर्डिंगली एज के अकॉर्डिंगली सिवियरिटी के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। सो इसीलिए जो है जो हमारे आस्पर्जस वाले बच्चे हैं या ये बच्चे जो है वो बहुत गॉड गिफ्टेड से हैं, और हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इतनी बारीक सी चीज, उनको ड्राइंग बनाने को बोलो तो वो मतलब वो मेरे चश्मे का कौन सा रिम कहाँ जाएगा, कान का कितना हिस्सा दिख रहा है, कान में क्या पहना है, उंगली का साइज, मतलब यू नो दे वुड डू इट एवरी बिल्कुल जैसे एक परफेक्शन की तरफ उसको बारीकी से देख के करते हैं। और वेयर एज अगर कोई हम नॉर्मल बच्चे को बुला के ड्रॉइंग करने को बोलेगा वो मोटा सा एक बना देगा, ये रही दो आंख एक नाक और ये और चश्मा बना देगा, बाल यहाँ यहाँ, तो डिफरेंस तो है। बट अगर हमने हमारे बच्चों का साथ दिया और जो है उनकी जो बारीकियत उनको मिली है जेनेटिक, तो हमने जो है एनवायरमेंटली दी है, तो जो है उसको और बेटर करिए ताकि ये बच्चे जो है अच्छे से एसिमिलेट हो जाएं सिस्टम में हमारे, और जो है जो इनको जो स्किल्स मिले हैं उनको वो दुनिया को और दिखा सके। क्योंकि अगर सोशल स्किल्स इतने भी नहीं होंगे कि हम दुनिया को दिखा पाए तो हम फिर फंस जाएंगे, तो इतने तो कर दें कि जो है इनके सोशल स्किल्स वहां तक हो जाए कि दुनिया भी देखे कि हमारे बच्चे देखे कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे हैं। ओके तो ये था जो है हमारा आस्पर्जर्स और हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। और अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। हेलो मैम, माय डॉटर इज डूइंग वेरी गुड इन एग्जाम विद प्रॉम्प्ट, वेरी गुड, बट शी इज हैविंग नीड बेस्ड स्पीच, हर विजुअल परसेप्शन इज वेरी हाई, एज पर ट्रेनिंग वी डिड एवरीथिंग बट इट्स नॉट अंडर कंट्रोल्ड, माई डॉक्टर टोल्ड दैट शी शुड वॉन्ट टू गिव मेडिसिन बिकॉज हर अदर इश्यूज आर अंडर कंट्रोल, बिकॉज ऑफ दिस ओनली शी इज हैविंग नीड बेस्ड स्पीच, लास्ट 2 मंथ वी आर गिविंग विजुअल स्टिम्युलेशन, शी इज हैविंग ओरल इश्यूज एंड वी आर गिविंग ओरल स्टिम्युलेशन फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स बट नथिंग हैज हैपेंड, 2 मंथ्स ऑफ विजुअल स्टिम्युलेशन शी स्टार्टेड चूइंग, इज देर एनी रिलेशन बिटवीन विजुअल परसेप्शन एंड ओरल इश्यूज। सो देखिए ऐसा नहीं है कि जो है ये मुझे हाई फंक्शनिंग लग रहे हैं क्योंकि एग्जाम दे रहे हैं, मुझे एज नहीं बताई आपने, मुझे एज नहीं पता है बच्चे की, एनीवेज बट एग्जाम दे रहे तो बड़ी क्लास के ही होंगे और नीड बेस्ड है। देखिए विजुअल परसेप्शन जो है उसका वो जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है, और चूइंग नहीं आना और बोलना नहीं वो मेरा वीक पॉइंट है, क्योंकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग विजुअल परसेप्शन है कि मैं इस हिस्से में जो है जो दूसरा मेरा है मैं उसमें कमजोर हो रही हूँ। अब अगर मैं भी अपने आप को देखूं, भाई मेरी बायो अच्छी थी, मेरी मैथ्स वीक थी, तो इसमें क्या खराबी हो गई, तो भाई बायो अच्छी थी तो वो हम आगे बढ़ते गए, मैथ्स वीक थी तो एक लेवल तक किसी तरह खींचतान के पास हुए फिर उसके बाद छोड़ दी, बट हाँ इतनी आनी चाहिए कि जो है एक नॉर्मल हिसाब किताब, एक नॉर्मल सेंस जो है वो हमें आना चाहिए। तो हमें हमारे बच्चे के लिए यहाँ पर भी वही करना है कि जो है उसका विजुअल जो है वो थोड़ा सा कम कर देंगे तो जो है वो दूसरी तरफ ध्यान देगी, समझेगी, तो चूइंग की तरफ उसका ध्यान जाएगा, क्योंकि तो वो सेंस ही नहीं डेवलप हुआ, बोलने का सेंस ही नहीं डेवलप हुआ, नीड बेस्ड है, खाना दे दो चलो चले, हाँ सोना है, भूख लगी है, मुझे नहीं करना है, मैं क्यों करूं, मतलब यू नो ये सारी चीजें जो है आ गई हैं। तो यस डेफिनेटली देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस, तो अगर हम हमारा फोकस इसी के ऊपर है तो प्लीज हम इसको कम करेंगे। और देखिए अगर नहीं बढ़ रहा है ये, बट आप बोल रहे हो कि आपके डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, तो अगेन दिस इज अ डाइसी सिचुएशन, मुझे मतलब बच्चे को देखना पड़ेगा कि हम कहाँ फंसे कहाँ हुए, क्या हम विजुअल में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं इसकी वजह से हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, विच इज आई थिंक वही पॉइंट होगा। तो जो है अभी हम ओटी स्टिमुलेशन करा रहे हैं और इससे आपको फायदा हो रहा है तो अभी वही करते रहिए, बट अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, देन डेफिनेटली मेडिसिन के लिए प्लीज जो है वो अपने डॉक्टर को बोलिए कि वो दे मेडिसिन, है ना। एडीएचडी एंड ऑटिज्म सपोर्ट, प्लीज हेल्प डॉक्टर हैविंग 9 ईयर ओल्ड हाई फंक्शनिंग एएसडी बॉय
फुली वर्बल, गुड इन सोशल, गुड इन एकेडमिक्स, जस्ट प्रॉब्लम इज अग्रेशन एंड एक्शन कर देना, बिना सोचे एक्शन कर देना, लाइंग इन एंगर, थ्रोइंग थिंग्स, देन लेटर से सॉरी। सो देखिए, ये मुझे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम जो है इसके अंदर जो है एडीएचडी का भी लग रहा है, क्योंकि हाई फंक्शनिंग है, बट जब चीजें फेंक देता है उसके बाद सॉरी बोलता है, तो इसका मतलब वो इंपल्सिविटी है। इंपल्सिविटी मतलब ओ कर दिया, ओ सॉरी 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 सॉरी, बट अब जो चीज हो चुकी है वो वापस तो नहीं आ सकती, आपका सॉरी नहीं वापस आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा जो है हाइपर एक्टिविटी है इस बच्चे को, और थोड़ा सा अग्रेशन। देखिए जब आप हाइपर होते हैं ना और आपकी बात कोई सुनता नहीं है तो आप अग्रेसिव हो जाते हो, क्योंकि एक माध्यम है ये अपने आप को एक्सप्रेस करने का। या तो मैं गुस्सा हूं आपसे तो मैं आपको बोलूंगी कि देखो मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे नहीं करो प्लीज। वेयरएज जब हम बहुत ज्यादा वोकल नहीं हो पाते हैं और हम अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मतलब हमारी इंपल्सिविटी बहुत ज्यादा होती है, तब हम जो है फेंका फाकी और ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। तो आई थिंक कि जो है हमारा हाई फंक्शनिंग यहाँ पे जो बॉय है 9 इयर्स, उसको कुछ तो जो है वो हाइपर एक्टिविटी का इश्यू है। एंड हाउ टू मैनेज अग्रेशन एंड टीच हिम थिंक बिफोर एक्शन स्ट्रैटेजी। देखिए अगेन यहाँ पे जो है सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है, इसको स्पोर्ट्स में डालिए। यहाँ पे एनर्जी थोड़ी ड्रेन डाउन हो जाएगी ना, तो बच्चा थोड़ा सा ठहर जाएगा, थोड़ा अपने आप को संभाल आ जाएगी। आपके अंदर खूब ज्यादा एनर्जी हो, आप कोई मैच देखने गए हो, फिर तो आप ये हू हा हुल्ला करोगे, आप कुछ थोड़ा आपका ध्यान जो है बाकी सारी चीजों से हटके आपको लगेगा ये, और जो है उस समय आप वो नहीं सोच पाओगे, कई ऐसी चीजें भी कर जाओगे जो आप बाद में सोचोगे मैंने क्यों कर दी। तो अगेन मुझे यहाँ पे वही इंपल्सिविटी वाला इशू लग रहा है, तो अगर हम एनर्जी थोड़ी सी चैनलाइज रखें इसकी, थोड़ा सा ऑन द लोअर साइड ऑफ एनर्जी, मतलब कि जो है स्पोर्ट्स में डाल दिया, इसको खाने पीने में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे फ्री की एनर्जीज मिल रही है, जैसे केक पेस्ट्री ये वो फलान ये सारी चीजें, और प्लस अगर फिर भी नहीं समझता है, अगेन 9 इयर्स बच्चा, हाई फंक्शनिंग, सब कुछ अच्छा हो रहा है, अगर क्लास में इसने ये शुरू, देखिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और स्कूल में ठीक है तो फिर कुछ नहीं करना है, तो फिर खाली आपको स्पोर्ट्स करना है और एनर्जीज को मतलब कम एनर्जीज देनी है, फालतू की फ्री की एनर्जी, ये नहीं उसका खाना कम कर दे, खाना नहीं कम करना है, बट जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम लेते हैं बिटवीन स्नैकिंग में या उसमें, वो उसका सिर्फ टेस्ट बड्स के लिए अच्छा होता है और किसी चीज के लिए अच्छा नहीं होता है, वो रोक देंगे। बट अगर जो है ये स्कूल में शुरू हो गया है, टीचर्स ने बोल दिया है कि देखो इसको कंट्रोल करो नहीं तो हम स्कूल से निकाल देंगे और ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही है, देन आई थिंक यू शुड गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क फॉर मेडिसिंस। ओके ओके, डाइजेस्ट इंग्लिश, मैम माय सन इज 9 इयर्स ओल्ड, नीड बेस्ड स्पीच समटाइम्स, ओके, ही रिलेट्स एंड टेल्स व्हाटएवर ही हैज लर्न्ड, speech therapy I did for 1.5 year, now he can speak sentences, he can read simple sentences, very good, very keen to learn always, sits with book, he can tell spellings which I don't even teach, but his socializing is poor, so I think jo maine abhi bola hai wo aapko karna hai, fir he doesn't chew rice but will chew roti, visual stimming is there, he continuously bangs on the book sometimes seeing, so I think yahan pe hamara visual content bhi concern hai, so please jo hai aap thodi si OT lijiye, occupational therapy, kyunki ye cheeze usko pareshan kar rahi hai, wo usme hi fas jata hoga, visual stimming mein hi fas jata hai apna bachcha, wo jo hai kuch bhi bang karke usko dekhna chahta hai to visual le raha hai, again yahan pe oromotor hai, kyunki jo hai राइस च्यू कर रहा है, रोटी च्यू कर रहा है, राइस नहीं च्यू कर रहा है, ओरोमोटर कंसर्न्स है ही हमारे बच्चे में, सो आई थिंक जो है जो आपके स्पीच वाले हैं वो आपको ओरोमोटर करा ही रहे होंगे, बट अगर जो है हम सेंसरी भी लें तो बहुत बेहतर होगा, तो हम सेंसरी में जो है विजुअल स्टिमिंग के लिए खास तौर पे काम करेंगे। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड कार्नोशाइन बट आई एम कंफ्यूज वेदर इट विल बी हैव एनी साइड इफेक्ट, प्लीज गाइड मी। सो देखिए एल कार्नोशाइन जो है वो तो एक न्यूट्रोसुटिकल्स है,
अभी तक जो एक डॉक्यूमेंटेड साइड इफेक्ट आया है उसका, वो भी हाई डोज पर, वो आया है हाइपर एक्टिविटी वाला कॉम्पोनेंट, वो भी बहुत हाई डोज पर। अगर जो है हम लो डोज पे देते हैं तो जो है ये इसको ठहराव की दवाई के लिए यूज करा जाता है। अभी 5-7 स्टडीज हैं जो ये बोलती हैं कि एल-कार्निशाइन आप दे सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी, बट ये खाली प्लस माइनस वाली स्टडीज है, उसमें पूरा प्रोवन नहीं है। और जो है बट फिर भी हम इसका ट्रायल कर सकते हैं क्योंकि ये वो वाली न्यूट्रोसुटिकल्स हैं, ये मेडिसिन नहीं है। दीज आर नॉट मेडिसिन एज सच जो कि जो है बच्चे पे कुछ अलग काम करे, ये न्यूट्रोसुटिकल्स हैं। तो प्लीज जो है आप इसको एक बार देख के देखिए। बट मेरे हिसाब से इसके अलावा आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसका सेंसरी कम करना, ओरो मोटर कम करना और उसको स्पॉट्स में डालने का रहेगा थोड़ा सा, ताकि जो है वो थोड़ा और बेहतर हो जाए और अपने उसके थॉट्स जो है वो बेटर हो जाए। और स्पोर्ट्स में यहाँ पे हम उसकी एनर्जी चैनलाइज के साथ साथ सोशलाइजिंग को हाईलाइट कर रहेंगे, क्योंकि वहां पे दो बच्चों के साथ में जाके वहां बात करेगा, इंस्ट्रक्शन लेगा, देखेगा, तो आई थिंक सोशलाइजिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी उसकी। और एक बार कार्नोशाइन देके देखिए प्लीज, ठीक है। सो योगेश चंदोला, माई सन इज 3.5 ईयर्स ओल्ड, 3.8 ईयर्स ओल्ड, सेंसरी इश्यू, स्पीच डिले, ओटी गोइंग ऑन, कुड आइडेंटिफाई कलर्स एट द एज ऑफ 2 ईयर्स, नोज मल्टीपल वर्ड्स ए टू जेड, इज दिस हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म? यस 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 सर, दिस इज गुड, दिस इज हाई फंक्शनिंग, बिकॉज 2 साल की उम्र पे कलर किसको पता होते हैं, ए टू जेड पता है, 1 to 100 नंबर्स पता है। यस यस एंड अभी 3.8 का है, दिस चाइल्ड कुड बी द फ्यूचर। अगर आप जो है इलॉन मस्क की जो है ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो मतलब शुरुआत के पेजेस में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है यार, वो ध्यान ही नहीं देते थे, कभी उधर देख रहे हैं, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना। पता नहीं हमारे यहाँ पे कितने इलॉन मस्क बैठे हुए हैं हमारे पास, बट द थिंग इज लाइक राइट तरीके से उनकी परवरिश करनी है हमारे को, है ना। सो लास्ट क्वेश्चन है निखिल गाडेकर, माई डॉटर इज 3 ईयर ओल्ड एंड माइल्ड ऑटिस्टिक, शी इज कम्प्लीटली वर्बल, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंट, बट शी इज डिफरेंट एंड नॉट लाइक अस, ऑल्सो इश्यूज फ्रॉम कॉम्युनिकेशन, अ बिट स्टबर्न, अगेन यस कुड बी हाई फंक्शनिंग, यस 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 यस, है ना, क्योंकि कॉम्युनिकेशन इश्यू है ना, टू एंड फ्रो कॉम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं वो, इसी वजह से वो स्टबर्न हो पा रही है, क्योंकि उसको टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन में मजा नहीं आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग है, इंटेलिजेंट बोल रहे हैं आप, यस कुड बी हाई फंक्शनिंग, कुड बी हाई फंक्शनिंग निखिल। सो प्लीज, कितने सारे अपने बच्चे निकल कर आ रहे हैं ऐसे, मैं और क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी, मेरे गले में दर्द हो रही है, बट मैं देख रही थी अपने बहुत सारे बच्चे ऐसे जो है वो निकल कर आ रहे हैं। प्लीज ये देखिए, समझिए और करिए। यस यस हमारे बच्चे जो है काफी आगे जा सकते हैं, बट थोड़ा अर्ली पिकअप, मतलब 3.8 वेरी गुड, मतलब हम देख रहे हैं पेरेंट्स यहाँ पर इतनी छोटी उम्र पर भी आ रहे हैं। प्लीज कीप ऑन द स्पिरिट्स, मूव ऑन करते रहिए, ताकि जो है ये बच्चे बेहतर और बेहतर होते जाएं। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग, डू वेल फॉर एवरीवन, डू वेल फॉर आवर चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर।